नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बड़े राज के बारे में बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी में जो भी बड़ा चमत्कार होगा वो देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जो इंसान आपसे मुंह मोड़ते थे, जो व्यक्ति आप लोगों को देखकर बहुत जलते थे, जी हाँ दोस्तों, वे लोग भी आप लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ सकते हैं और आपसे सफलता की चाबी मांग सकते हैं। और दोस्तों, बता दें कि आप लोगों को ये चीज़ रोम रोम से हिला कर रखने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। और दोस्तों, जो ये बड़ी घटनाएं हैं जो आपकी दुश्मनों के साथ होने वाली हैं, जिसके कारण दोस्तों आपका दुश्मन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर और दोस्तों वह स्वयं जेल की हवा खाने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि अब आपको अपने दुश्मनों से लंबे समय के लिए छुटकारा मिलने वाला है। और दोस्तों, इस घटना को होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मनों का अब गलत कर्मों के कारण पापों का भरा घड़ा भर चुका है। और दोस्तों, जिस कारण आपके दुश्मनों के ही कर्मों को देखने के बाद उनका किया हुआ अत्याचार आपके लिए दोस्तों आपके दुश्मनों के साथ में अब बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये बात तो जानते ही हैं कि जो व्यक्ति बुरा करता है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए गड्ढे खोदता है, तो उसके साथ में बुरा ही होता है और वो व्यक्ति भी अपने बनाए हुए गड्ढे में स्वयं ही गिर जाता है। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आपको बता दूं, माता रानी आपके दुश्मनों के जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटित करने वाली हैं। दोस्तों, इसी के साथ में जानकारी के लिए ये भी बता दूँ कि अंतरिक्ष में ग्रह का जो नक्षत्र है, वहाँ से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दोस्तों, जो पिछले समय में आप अपने दुश्मनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, आपके दुश्मनों ने आपके लिए तरह तरह के गलत करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आपको नीचे गिराने का हर संभव प्रयास किया है। आपके दुश्मन कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाए हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बड़ा भगवान का आशीर्वाद लाई हूँ जिससे दोस्तों आप लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई कुछ खास सावधानियों को भी अपने जीवन में अवश्य माने, ताकि आप लोगों का कोई भी बाल भी बाका गलती से भी ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों, यदि आप मेहनत लगन खुद ब खुद करेंगे तो ईश्वर आपको स्वयं ही फल की प्राप्ति अवश्य देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है और फिर बाद में भगवान से वह ये प्रार्थना करने लगता है और बोलता है कि हे ईश्वर, आप तो हमें कुछ देते ही नहीं हैं, हमारी कोई भी बात नहीं सुनते हैं, और वो ईश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं। देखिए, ईश्वर आपके सुनते हैं यदि आप खुद ब खुद मेहनत करेंगे, तो इस बार दोस्तों आपकी अवश्य सुनेंगे। इसीलिए आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है और कर्म करना आपका कर्तव्य। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ व्यवहारिक सावधानियों के बारे में जो आपके जीवन में कुछ नए और बड़े बदलाव लेकर आई है। दोस्तों, इस समय ध्यान रखें कि अपने कार्य पर नियंत्रण रखें, क्योंकि दोस्तों आप जरूरत से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। योजना किसी के समक्ष में अपनी शेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों इस समय आपके जो काम है उसमें कोई ना कोई बाधा डाल सकता है, इसलिए जरा थोड़ा सा सावधान रहिए। अपनी जानकारी अपने पास ही रखें। युवा वर्ग किसी की मदद करके अपने करियर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों याद रखें कि किसी का भी अनादर ना करें। इन दिनों में दोस्तों कुछ ग्रह गोचर में आप लोगों के बड़ों के प्रति आदर सम्मान से ही नए बड़े बदलाव होना मुमकिन है। मौज मस्ती करते रहें, अन्यथा जीवन निरस हो जाएगा। बिना सोचे योजना बनाए यदि काम किया जाए, उसे हमेशा असफलता मिलती है।
आर्थिक दृष्टि से परिस्थिति अनुकूल है। घर के बदलाव संबंधी कोई भी कार्य कर सकते हैं। परिवार के लोग अथवा मित्रों के साथ में मनोरंजन में कुछ समय व्यतीत करें। फाइनेंस संबंधी कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। निकट संबंधी के साथ कुछ वाद विवाद जैसे होने की स्थिति है, लेकिन आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थिति संभाल लेंगे। हालांकि आलस्य की वजह से व्यक्तिगत कार्य में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। युवाओं को व्यवसाय में नए काम से संबंधित पहली पेमेंट मिलेगी, मन में खुशी रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को ट्रांसफर से संबंधित सूचना मिलेगी, आपके लिए भाग्यदायक सिद्ध होगी। लेकिन आपको अपने कार्य में नियमित समय पर पूरा करना होगा। किसी बाहरी व्यक्ति दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। परिवार के लोगों के साथ में मनोरंजन प्रोग्राम अवश्य बनाएं। दोस्तों कब्ज बवासीर चल रही है, उसे हल्के में ना ले, उचित इलाज लेना आवश्यक है। आज आपके पास अपनी सेहत और नुक्स से जुड़ी चीजों को संभालने के लिए पर्याप्त समय होगा। घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। रिश्तेदारों के लिए छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे दिन में आराम सुकून देने वाली साबित होगी। संभव है आप आज अपने प्रिय को टॉफी या चॉकलेट दे सकते हैं। नई चीजों को सीखने की ललक काबिले तारीफ है। यदि किसी परिस्थिति से घबराकर भागेंगे तो आपका पीछा वे हर तरीके से करेगी। दिन बढ़िया है, इसलिए आप ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जो रोमांचक है और आपको सुकून दे। आर्थिक तौर पर सुधार करें, लेकिन दोस्तों अपने कामों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने मन की बातों को माता पिता के साथ शेयर करें, दिल की बातों को पहचाने। दोस्तों छात्रों को सलाह दी जाती है कि यारी दोस्ती के चक्कर में अपने समय को खराब ना करें। यार दोस्त मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए यही सही समय है। पारिवारिक जीवन की बात करूं तो दिन काफी अच्छा है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ में आप परिवार की भलाई के लिए कार्य करते नजर आएंगे। आप आज परिवार और मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, जहां सभी लोग मौज मस्ती करेंगे। जो लोग विदेशों से आयात निर्यात के कार्य करते हैं, उन्हें शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको आपकी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। नौकरी कर रहे जातक आज अपनी नौकरी में खुश नजर आएंगे। व्यवसाय कर रहे जातक आज किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं, जिससे व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी राशि का दिल बहुत शुभ है। आपको बहुत समय बाद बहुत सारी खुशखबरियां मिलेंगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने की योजना बना रहे थे, उनकी वह इच्छा पूरी होगी। नौकरी पेशा लोग अपनी समझ से जिस नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहां से उनका बुलावा आएगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी भी आपके कामों की सराहना करेंगे। अपने रुके हुए कामों को समय रहते पूरा करने में सफल होंगे। कारोबार से जुड़े लोगों को पहले की गई मेहनत का लाभ मिलेगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन लाभ देने वाला होगा। जो लोग कोचिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा। यदि परिवार में किसी सदस्य के विवाह में कोई रुकावट थी, तो आज वह दूर होगी और विवाह प्रस्ताव पर रोक लग सकती है। परिवार के सदस्य के साथ किसी समय आप सम्मिलित हो सकते हैं। दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सामाजिक गतिविधियों में पूरी रुचि दिखाएंगे। किसी संपत्ति की खरीदारी में दोस्तों आप उसके चल अचल पहलुओं पे स्वाधीनता से जांच लें, नहीं तो समस्या होगी। किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। किसी फैसले में लापरवाही करने से बचना होगा। यदि आपने किसी काम को कल पर टाला तो वो लंबा लटकेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपके व्यापार संबंधी कोई रुका हुआ काम है तो डील फाइनल होगा। सेहत की बात करूं तो आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, परंतु प्यार और परिवार की बात की जाए तो पिता या फिर पिता तुल्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के कारण आपके लिए कार्यस्थल रोमांटिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम की बगिया में बाहर के लिए सितारे काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।